हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप अपने कंप्यूटर में कौन कौन सा प्रोग्राम ज़रूरी होता है उसको रखना। तो अगर आप पहली बार कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या नए नए कंप्यूटर सीखे हैं, तो आपको लगता होगा कि कौन सा प्रोग्राम रखना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप खरीदें कंप्यूटर जहाँ पे, तो वहाँ पे आमतौर पे क्या होता है कि वो आपको खुद ही बहुत सारे प्रोग्राम इंस्टॉल करके दे देता है, ठीक है। लेकिन एक बार में आप सब समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा इंस्टॉल किया है नहीं किया है। तो कम से कम ये मैं बताऊंगा अभी, कुछ प्रोग्राम है, बहुत कम लिस्ट बता, छोटा सा लिस्ट बता रहे हैं, ताकि उतना तो आपको रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कंप्यूटर पे काम करेंगे उतना रखने से आपको आमतौर पे काम चल जाएगा। अगर आप नए कंप्यूटर सीख रहे हैं तो उतना से आपको शुरू में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, और जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से फिर आपको तो पता चल ही जाएगा। लेकिन एकदम स्टार्ट में ये कुछ प्रोग्राम है उसको पक्का ही रखना चाहिए, समझ गए। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि आजकल ये इंटरनेट का ज़माना है, और बिना इंटरनेट यूज़ किए कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। एक तरह से आप नए नए कंप्यूटर लिए हैं मान लीजिए, तो बिना इंटरनेट के आपको कंप्यूटर में उतना इंटरेस्ट बना नहीं रहेगा, इसलिए इंटरनेट को यूज़ करने के लिए कुछ प्रोग्राम यहाँ पे मैंने बताया। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वो उससे आप वो आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड होता है। जैसे आप कंप्यूटर विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस आपके कंप्यूटर में होगा, और उसको जैसे ही खरीदेंगे तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर जो प्रोग्राम है वो शुरू से रहना ही रहना है। दूसरा क्या है, फायरफॉक्स, और तीसरा क्या है, गूगल क्रोम। तो ये दोनों जो है आमतौर पर ये लोग ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। उसके पीछे कारण है कि बहुत सारा वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर में ढंग से नहीं खुलेगा। न्यूज़ चैनल वगैरह खोलिएगा, जैसे मान लीजिए NDTV खोल रहे हैं या कोई भी न्यूज़ चैनल खोल रहे हैं, या बहुत सारा क्या कहते हैं वीडियो वगैरह, अगर यूट्यूब आप खोलना चाह रहे हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में कभी कभी ढंग से नहीं चलेगा, इसलिए फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो मैं तो फायरफॉक्स रखता हूँ, क्योंकि फायरफॉक्स उसके पीछे बहुत सारा कारण है, अभी बताएंगे। तो पहले एक ही करके हम इसको खोल के दिखा देते हैं कि कौन कौन सा प्रोग्राम है। ओके, ये देखिए, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो आइकन होता है वो ई लिखा रहता है, सर्कल टाइप का होता है, समझ गया। आपके कंप्यूटर में पहले से होगा ई इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये देखिए खुल गया। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए, जैसे खोल सकते हैं google.com, google.com करिएगा तो आपको एंटर मारिए तो गूगल खुल गया, या ये समझिए google.com खुल गया। अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऐसे ये देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर से इंटरनेट आप देख सकते हैं। मैं गूगल में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे सर्च कर मान लीजिए NDTV, सर्च कर दिए, एंटर मारे, NDTV के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ गए, ठीक है। उसी तरह ये देखिए दूसरा प्रोग्राम मैं क्या बोल रहा हूँ, फायरफॉक्स। तो ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है और फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, तीनों एक ही काम करता है। तीनों का काम क्या है, ये है वेब ब्राउज़र, इसको कहते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का मतलब क्या हुआ, वेब मतलब हुआ इंटरनेट, और ब्राउज़र मतलब जहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, कुछ खोज सकते हैं, जाके अंदर जा सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र जो हुआ, ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं, तीनों में से कोई भी रहेगा तो आपका बेसिक काम तो चल ही जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि फायरफॉक्स आप रखिए। अगर आपको किसी का जान पहचान है आपका जो कंप्यूटर इंस्टॉल कर सॉफ्टवेयर वगैरह डाल सकता है, तो उनको बोलिए कि फायरफॉक्स मेरे में डालो, इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल क्रोम नहीं, फायरफॉक्स। मैं बताऊंगा क्यों। पहले देखिए फायरफॉक्स कैसा होता है। फायरफॉक्स का आइकन ऐसा होता है ऑरेंज कलर का, नीचे देख सकते हैं, ये देखिए फायरफॉक्स खुलेगा तो ऐसा रहेगा, ब्लैंक स्क्रीन है, देखिए सब कुछ ब्लैंक है। इसमें देख सकते हैं google.com, ठीक है, ये देखिए खुल गया google.com, ये देखिए google.com उसी में खुल गया, ये हो गया। उसी तरह तीसरा प्रोग्राम जो है वो है गूगल क्रोम, ये भी वैसा ही है, इसमें कुछ खास नहीं। इसको भी खोल के दिखा देते हैं आपको, तो ये भी गूगल ड्राइव में खुल गया, ठीक है। तो क्यों बता रहे, तीनों तीनों है वेब ब्राउज़र, वो तो हो गया। अब देखिए क्या है, फायरफॉक्स हम क्यों बोल रहे हैं खोलने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, उसके पीछे कारण क्या। देखिए पहले बात कि इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आपके में रहता ही है, अगर कुछ नहीं तो ले लीजिए, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर में बहुत सारा वेबसाइट नहीं खुलेगा तो उतना अच्छा नहीं है। गूगल क्रोम उतना अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि गूगल क्रोम गूगल का है, तो बड़ी कंपनी है, और क्या होता है कि आप जो भी चीज़ इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं गूगल क्रोम से, वो सब वो स्टोर करता रहता है। आप कुछ भी देखिएगा,
आपको लगेगा कि नहीं तो हम प्राइवेट में करके रखे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, लोग को नहीं देखेगा, लेकिन वो आपका एक गलत फहमी है। गूगल सारा डेटा आपका रखे जाता है, आप कौन सा बैंक अकाउंट है आपके पास, सब कुछ वो ढूंढ स्टोर करके रखता है। वो किसी को बताता नहीं है तो सबको उतना खतरा नहीं है, लेकिन आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, समझ गया। तो बिना मतलब का किसी को अपना इन्फॉर्मेशन क्यों दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। तो फायरफॉक्स रखिए, फायरफॉक्स जो है वो कोई बड़ी कंपनी नहीं है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका डेटा कुछ भी कलेक्ट नहीं करती है। आप इसको इंस्टॉल करके निश्चिंत रूप से कुछ भी करिए, तो आपको ये रहेगा कि हम मेरा डेटा किसी के पास नहीं है, आपको आपको उससे उसका मन में शांति रहेगा, इसलिए फायरफॉक्स बोले। ओके, और देखिए क्या है दूसरा, क्या है दूसरा तरह का प्रोग्राम बोल रहा हूँ, मीडिया। मीडिया मतलब जैसे आप कंप्यूटर रखे हैं, तो मान लीजिए गाना सुनना है या कोई वीडियो देखना है, आप घर में कोई रिकॉर्डिंग वगैरह किए हैं उसको देखना है, तो सीडी डालिएगा या पेन ड्राइव में है कुछ भी, तो उसको डाल के कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में कोई भी चीज़ प्रोग्राम के जरिए होता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह जो देखे, ये वेब ब्राउज़र जो है, ये सभी प्रोग्राम है, ठीक है, ये तीनों अलग अलग प्रोग्राम है। उसी तरह वीडियो चलाने के लिए या ऑडियो मतलब मूवी देखने के लिए या फिर गाना सुना सुनने के लिए आपको भी कोई प्रोग्राम चाहिए। तो ये जो तीन प्रोग्राम लिखे हैं ये काफ़ी, ये तीनों पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही तीनों हैं, इसलिए इनका नाम लिखे हैं, और इनको ढूंढना आपके लिए बहुत आसान है। सबसे पहला क्या है, विंडो मीडिया प्लेयर। विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो है वो कंप्यूटर में आपके पहले ही से इंस्टॉल्ड है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है वैसे ही विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप उसमें चला सकते हैं। लेकिन उसी तरह इसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि सारा तरह का वीडियो इसमें नहीं चलेगा, जैसे कभी कभी MP4 नहीं चलता है, बहुत सारा वीडियो जो होता है आप सीडी डालिएगा और बोले कि मेरा वीडियो चल ही नहीं रहा, और आपको आप जहाँ से सीडी लेके आओ आपको चला के दिखा दिया होगा, तो आप बोलेंगे क्यों नहीं चल रहा है। तो इसलिए आप VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कीजिए। VLC में बता दिखाऊंगा अभी कैसा होता है। आप जिनको कंप्यूटर आता है आपके घर में उनको बोलिए कि मेरे को VLC डाल के दो, चाहे कुछ भी हो VLC डाल लीजिए, और VLC नहीं मिल रहा तो रियल प्लेयर डाल लीजिए। VLC और रियल प्लेयर दोनों लगभग सेम ही है, तो हम VLC रखे हुए हैं लेकिन आप रियल भी रख सकते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छा है, आप दोनों में से कोई भी रखिए, आपका लगभग सारा वीडियो उसमें चल जाएगा। ओके, तो ये हो गया, इसमें दिखा देते हैं कैसा होता है। देखिए तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर कैसा होता है, देखिए विंडोज़ लिखे तो देखिए आ गया यहाँ पे ऊपर, ये देखिए विंडोज़ मीडिया प्लेयर लिखा हुआ, क्लिक करिए इसको, ये देखिए आ गया। ओके, ये है विंडो मीडिया प्लेयर, आप कोई गाना वाना चला सकते हैं, ये ऑलरेडी इसमें एक दो म्यूज़िक दिया हुआ है तो उसको छोड़िए, तो इसमें प्ले करके आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आप कोई भी वीडियो इसमें प्ले कर सकते हैं, ठीक है। प्ले करने के लिए बहुत आसान है, फाइल में क्लिक करिए, यहाँ से ओपन कर पे जाइए, ओपन करके जो फोल्डर में उसको सेलेक्ट कर दीजिए। या एक और तरीका है, ऐसे पकड़ के ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे बाद में वीडियो में कि ड्रैग ड्रॉप वगैरह कैसे होता है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया विंडो मीडिया प्लेयर, इसमें सिर्फ दिखा रहे हैं कैसे कैसे काम करते हैं। अब VLC देखिए, VLC लिखिए नीचे, ये देखिए आ गया VLC, ये देखिए VLC मीडिया खुल गया, खुल रहा है धीरे धीरे, तो टाइम लगता है। हाँ, ये देखिए VLC मीडिया प्लेयर खुल गया। ओके, ये देखिए VLC ऐसा होता है, इसका आइकन ये देखो ऑरेंज वाला है, ऐसा ही VLC मीडिया होता है देखने में। इसमें भी कोई वीडियो चला सकते हैं, फाइल पर क्लिक करिए, मीडिया पे ओपन फाइल पर करिए और जहाँ पे वीडियो है सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, हो गया VLC। रियल प्लेयर मेरे में इंस्टॉल नहीं है, लेकिन रियल प्लेयर बहुत पॉपुलर है, आप किसी को बोलिएगा तो आपको इंस्टॉल करके दे देगा। ओके, ये हो गया कि मीडिया के लिए, कि गाना वगैरह सुनना है या वीडियो वगैरह देखना है। तो सबसे पहला क्या हो कि इंटरनेट, आपको इंटरनेट तो रखना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारा काम कर ही नहीं पाइएगा। मीडिया के लिए, गाना वगैरह के लिए हो गया। तीसरा क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, अब नोटबुक और इसका ज़माना गया, मतलब पेपर पे लिख के पेन पेन से लिखना है, ज़रूरत नहीं है, पेन बिना मतलब का पेपर वेस्ट होगा। कंप्यूटर में आपका होता है नोट पैड, उस पर आप उसमें आप लिख लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए सब्जी वगैरह क्या लाना है या आइटम लाना है, तो आप नोट एक वर्ड प्रोसेसर जो टेक्स्ट के लिए होता है, ये लिखने के लिए मेनली, उसमें आप लिख के रखिए। जैसे हर महीना मान लीजिए आपको सामान लेना है, तो बार बार आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में है लिस्ट, उसी को देख के आप लेके आ जाइए। आप उसको मोबाइल में भी भेज सकते हैं, किसी को SMS कर दीजिए, वो कॉपी पेस्ट करके, तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको बार बार लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा पेपर पर। तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो
तो इसमें पांच हम लिखे हैं, लेकिन पांचों आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, देखिए, नोटपैड। नोटपैड जो है वो भी आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो सबसे ज़्यादा आसान ही यूज़ करना, आप उसी को यूज़ कीजिए। जब तक आपको कुछ हाईफाई नहीं करना है, मान लीजिए आपको सिर्फ सामान का लिस्ट बनाना है, तो आपको एकदम सबसे सिंपल है, लिस्ट बना लीजिए, तुरंत हो जाएगा। और थोड़ा हाईफाई करना है, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए किसी को एप्लीकेशन वगैरह लिखना है, थोड़ा फॉर्मेटिंग करना है, तो उसके लिए दूसरा नंबर पे देखिए वर्ड पैड। वर्ड पैड भी आपके कंप्यूटर में शुरू से इंस्टॉल रहता है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, वो अभी दिखाते हैं कैसा है। और ये जो तीनों हैं लास्ट का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये तीनों आपको उसके लिए पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और इंडिया में कहीं कहीं पायरेटेड भी मिल जाता है, लेकिन आपको इसका आम तौर पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप इंस्टॉल करा लीजिए कहीं से, या पैसा दे के खरीद लीजिए, जो भी है। लेकिन नोट पैड और वर्ड पैड आपके शुरू से है, आप उसमें बहुत सारा चीज़ इसी में कर सकते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए, ये देखिए, स्टार्ट पे क्लिक करिए, नोट पैड लिखिए, नोट पैड, ये देखिए नोट पैड आ गया, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए इसमें लिखना, मान लीजिए आपको कुछ सामान लाना है, जैसे कोका कोला, ऐसे देखिए आप इसको पकड़ के इधर खींच सकते हैं, कोका कोला लिख दिए, मान लीजिए मिक्सचर है ना, कुछ भी, जैसे दाल चावल, कुछ भी, मान लीजिए लिस्ट ही बनाना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे लिख दीजिए क्या जा रहा है। ये बहुत आसान है, इसमें कर सकते हैं आप बहुत आसानी से, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या होता है, वर्ड पैड। थोड़ा सा मान लीजिए हाईफाई करना, मान लीजिए आपको वो लिखना है, क्या कहते हैं, मान लीजिए किसी का एप्लीकेशन लिखना है या फॉर्म भरना है, तो इसमें थोड़ा सा हाईफाई कर सकते हैं। ये आपके कंप्यूटर में पहले से होता है, किसी को कोई पैसा देने का इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, डियर सर, आई वॉन्ट टू से, ऐसे लिख सकते हैं, देख रहे हैं। इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, काला कर दिए, बोल्ड कर दिए। तो इसमें प्रोसेसिंग, ये क्या बताना चाह रहे हैं हम, कि इसमें आप थोड़ा सा इसको हाईफाई भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें ये दोनों प्रोग्राम आपके में पहले से है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने का, ये वर्ड के लिए, वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग के लिए पहले से आपके पास है। अगर थोड़ा हाईफाई और चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, स्लाइड बनाने के लिए एक्सेल होता है, कंप्यूटेशन कुछ जोड़ घटाव करने के लिए। ये हो गया। तो ये था मेरा वीडियो कि आपको कौन कौन सा प्रोग्राम एकदम ज़रूरी है कंप्यूटर में इंस्टॉल करना, ठीक है। एक बार देख लीजिए जल्दी से, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट पे जाने के लिए कोई भी वेब ब्राउज़र चाहिए आपको, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया। तो मेरा मानना क्या है कि फायरफॉक्स आप इंस्टॉल कीजिए, जिसका कारण बता चुके हैं। दूसरा क्या है, मीडिया प्लेयर, मतलब गाना सुनने के लिए या वीडियो चलाने के लिए, विंडोज़ मीडिया, VLC और रियल, तीनों में से कोई भी रखिए। विंडोज़ मीडिया आपके कंप्यूटर में पहले से है, VLC इंस्टॉल कर लीजिए, फिर लगभग सारा वीडियो चल जाएगा। तीसरा क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। तो ये नाम लिख दिए यहाँ पे, लेकिन आपको इसमें एक्चुअली कुछ इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट पैड और वर्ड पैड पहले से आपके कंप्यूटर में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि आप अगर नया नया कंप्यूटर खरीदे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए बनाए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।